बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। नबील अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे गांव की जो गार्डन किचन है, किचन गार्डन, वो कैसी और कैसे तैयार की जाती है। हम जो धनिया, लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह उगाते हैं अपने घर में, अपने अपनी ज़मीन में, वो कैसे उगाते हैं। तो चलो हम अब अपने घर में उगाएंगे। सबसे पहले हम ज़मीन को खोद लेंगे, बारीक कर लेंगे इसको। अभी हम इसकी खेलने बनाएंगे इस तरह। इस तरह भी इसकी खेलें बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम खीरे के बीज लगाएंगे। ये खीरे के बीज हैं, हम ये ऐसे उगाएंगे। ये दीवार के साथ हमने थोड़ी जगह बनाई हुई है, क्योंकि इसकी शाखें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, ये पौधे की तरह नहीं होती। इस तरह हम इसको लगाएंगे। ये हमारे खीरे के बीज लग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लगाएंगे भिंडी के बीज, लेडी फिंगर भिंडी। इसके बाद हम लगाएंगे करेला, करेले के बीज हम लगाएंगे अभी। इसके बाद हम लगाएंगे कद्दू, कद्दू के बीज हम लगाएंगे। ये भी इसी तरह साथ साथ करके लगा देंगे। इसकी भी बेलें बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। ये हमारे करेले के बीज भी लग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लगाएंगे हम हरी मिर्च। ये मिर्च के पौधे बाजार से मिलते हैं, ये मिर्च के पौधे, छोटे छोटे पौधे हैं। अभी इसको हम उगाएंगे। पहले जो मिर्च के बीज होते हैं उसको उगाते हैं, जो मिर्च के अंदर होते हैं। तो जब वो उग जाते हैं, इतने इतने हो जाते हैं, तब इसको ज़मीन से खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं और बाद में इस तरह इसको लगा देते हैं। ये हमारे लग गए जी मिर्च के पौधे, इसके ऊपर लगेगी हरी मिर्च। अभी हम इसके बाद लगाएंगे बैंगन। ये बैंगन के पौधे हैं, इसको भी इस तरह इसके बीज निकाल लेते हैं, पहले सुखा लेते हैं और उसको उगा लेते हैं। उसके बाद ज़मीन से निकाल कर ऐसे जब इतने बड़े हो जाते हैं, तब इसको फिर इसी तरह लगाते हैं।
ठीक है। ये पिछली दफा जब हमने लगाया था बैंगन, ये अभी तक असली हालत में अपनी। अब हमने इसको ऊपर से काट दिया है, अब ये बढ़ जाएगा, इसके ऊपर बैंगन लगेंगे। ये है जी प्याज, ओनियन। ये प्याज है, इसी को भी इसी तरह बीज निकाल के पहले उगा लेते हैं, उसके बाद इसको निकाल कर फिर दोबारा बोते हैं। इसको हम इस साइड पे लगाएंगे क्योंकि बीच में हमने लगाए भिंडी। ये देखिए, ये जो नीचे नजर आ रहे हैं ना, ये प्याज है। जब हम जमीन में इसको बोएंगे तो ये सिर्फ ये बड़ा होगा। ये बड़ा होने के बाद ऊपर से ये भी बड़ा हो जाएगा, उसमें से फूल निकलेंगे और बीज होंगे इसके ऊपर, वो बीज उगाए जाते हैं। तो अभी हम इसको इसलिए लगा रहे हैं कि जो नीचे नजर आ रहा है ये जड़ के साथ, ये प्याज है, ये बड़ा हो जाएगा नीचे से। घरों के हिलांदा पे होर फिर कि मेला होने घरों। नहीं लंदे इन्हें तो गल नवी गै सुनानी होंदी है ना। बस ठीक है, कम बनाई जाना पा, थोड़ी चीज बनानी। के बाद हमने जो बीज वगैरह बोए हैं, तने बोए हैं, अब हम इसको पानी लगाएंगे। ये भी पानी लगाया हम लोगों ने, इसको अच्छी तरह से भर देंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम मज़ीद जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक बआसानी जल्द जल्द पहुँच जाएगी। तो ये देखें, ये हमने बीज बोए हैं अभी, और तने वगैरह, ये हरी मिर्च और वो प्याज। उसके बाद हमने खीरे के बीज बोए हैं, करेला, भिंडी और प्याज, कद्दू, सभी चीज़ें हम लोगों ने बोई हैं। हम इसको भी पानी लगा रहे हैं, जब ये पानी लग जाएगा तब हम इसको छोड़ देंगे इसकी हालत में, और ये बड़े हो जाएंगे और हम इससे फ़ायदा लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।